गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ सब बहुत अच्छे हो गए। आज देखिए भगवान जी ने बहुत बारिश कर दी है और मैं इसी बारिश में गई थी शिव को लेने के लिए और मैं पूरे तरीके से भीग गई थी। फिर मुझे आज हेड वॉश भी नहीं करना था सो मैंने किया नहीं है। ये सिर्फ बारिश का ही कमाल है जो मेरे बालों में आपको नज़र आ रहा होगा, चिपका चिपका सा। ठीक है, सो आज दुकान पर भी नहीं जा पाएंगे लग रहा है, क्योंकि आज भगवान जी कह रहे हैं आज तो मैं रुकूंगा ही नहीं। तो ये देखिए, ये है हमारा मंदिर जो बहुत खूबसूरत लग रहा है बारिश से। एक्चुअली मैं क्या है ना, जाने का सोच रही थी कि इधर से जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। फिर मैंने कहा यार शिव भी बहुत देर वेट करेगा। मैंने स्कूल में भी बात की कि अगर आप लोग शिव को भेज सकते हो किसी वैन वगैरह के थ्रू तो बता दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, हम ऐसे नहीं भेज सकते बच्चों को। सो फिर मुझे जाना तो 12:30 बजे था और मैं गई हूँ 1:20 पे, और निकली थी घर से तब हल्की हो गई थी बारिश, लेकिन जब मैंने जैसे ही मेन रोड पे पहुंची ना, गली मैंने अपनी पार करी थी और ऐसी बारिश आई कि बस के कह रही हूँ मैं रुकूंगी ही नहीं। फिर उसके बाद मैं जब स्कूल आने वाला था तब बारिश रुक गई थी। फिर जब मैंने शिवी को ले लिया, फिर मैंने उसके बैग को कवर किया अच्छे से, उसको भी हेलमेट पहनाया, मैंने भी हेलमेट पहना। फिर जब मैं वापस आई ना, जैसे स्कूल से निकली गली पार ही करी थी, वैसी धड़ 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 जोर जोर से बारिश, और इतनी ज़ोर से बारिश, ओ माय गॉड, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतनी ज़ोर से बारिश थी और वो मेरी आँखों में जा जा के लग रही इतनी ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि मैंने हेलमेट डाला हुआ था। वैसे तो सर तो मेरा बच गया, लेकिन फिर भी यार थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ ही जाता है। मतलब बारिश इतनी ज़्यादा ज़ोर से थी तो थोड़ा बहुत तो देखो गीले होते ही हैं बाल। आज थर्सडे था तो मैं सोच रही थी कि भाई बाल ना गीले हों, लेकिन फिर भी हो ही गए। चलो कोई बात नहीं, थोड़े गीले होना लिखे थे कि भाई थोड़े और गंदे मेरे बाल होने चाहिए, वो हो ही रहे हैं धीरे 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 करके। और स्प्लिटन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, दो मुए बहुत ज़्यादा हो गए हैं। चलो कमेंट सेक्शन में बताना यार, दो मुए बालों के लिए क्या कर सकते हैं कि मतलब बाल ठीक हो जाए। अब मैं नहा धो के आई हूँ, नाश्ता करके ही गई थी। आज बनाए थे आलू प्याज पनीर के पराठे विद चाय। ठीक है, लंच हमने अभी तक बनाया नहीं है क्योंकि आज छुट्टी वाला माहौल है, तो मुझे ऐसा लग रहा है चाय पकौड़े खा के ही टाइम निकलेगा आज। मे भी शायद कढ़ी बनाने का भी मूड हो रहा है मेरा, दोनों सी बात है। 2:15 तो 2:30 बज चुके हैं घड़ी में और अभी तक आज मैंने खाना नहीं बनाया है। खाना बनाने का मूड भी नहीं है, सिर्फ मन ऐसा कर रहा है पकौड़े ही पकौड़े खाते रहें। ठीक है, कुछ ऐसा ही देखते हैं, कुछ सैंडविचेस वगैरह टाइप्स कुछ के मतलब ऐसा हो जो बारिश में खा सकें। देखो सुंदर लग रहा है ना, वैसे तो जोर से है, फोन में अच्छे से दिख नहीं रहा है, बारिश तो मतलब इतनी जोर से है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, सांस ही नहीं ले रही, और ओरियो पर्दे के पीछे छुप छुप के मेरे को देख रहा है मुझे देख रहा है कि मम्मा बाहर आप क्या कर रहे हो बारिश में। देखो मेरे आधे बाल गीले हुए हैं, ये देखो यहाँ से सूखे हुए हैं और ये देखो ये गीले हैं, एक तरफ से गीले एक तरफ से सूखे हुए बाल है। सो गाइज, अब मैं अपने बालों को सुखाती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाने जाऊँगी। देखते हैं खाने में क्या बनाना है, वैसे तो कुछ भी बनाने का मूड नहीं हो रहा है आज, सिर्फ बारिश इंजॉय करने का मन है। देखते हैं अभी कुछ हल्का फुल्का। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर मेरी वीडियो देख के लाइक नहीं किया ना, फिर देखना आप लोग। सो अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, उसके लिए काटे हैं मैंने प्याज और ये मैंने 2 तेज़पत्ते ले लिए। घी में सबसे पहले मैं जीरा डालूंगी और मेथी दाना और थोड़ी सी हींग। अब मैं डालूंगी इसमें प्याज, देखिए अच्छे से जीरा मेरा हो गया है, अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। अब प्याज अच्छे से सोटे हो रहे हैं, तब तक के लिए मैं बैटर को रेडी करूंगी, दही और बेसन और सारे मसाले। मसाले मैं उसी में ही डाल लेती हूँ सारे, क्योंकि बिकॉज उसमें तड़के में डालने से कोई मतलब नहीं है, फिर वो अजीब से ना जले जले सी गले में लगते हैं फिर वो, इसीलिए मैं दही के अंदर ही मसाले डाल लेती हूँ हमेशा। प्याज मेरे सोटे हो रहे हैं अच्छे से, देखिए मैं इसमें दही को ट्रांसफ़र कर लूँगी। 1 लोटा दही लिए मैंने, और जितने लोग होते हैं ना उसके हिसाब से मैं स्पून को मेजर कर लेती हूँ,
अगर छोटी टी स्पून है तो, अगर 4 लोग हैं तो 4 टीस्पून, और मेरे पास जो स्पून है वो थोड़ी बड़ी है, तो जैसे 4 लोग अगर होंगे तो मैं ये 2 स्पून या 2.5 स्पून मैक्सिमम डालती हूँ बेसन के। ठीक है, अब मेरे पास जो है बीटर रखा हुआ था, हैंड ब्लेंडर रखा हुआ है, तो हैंड ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारे मसाले मैंने इसमें डाल लिए हैं, जो बैटर मुझे बनाना है हैंड ब्लेंडर की हेल्प से मैं बना लूँगी। ये देखिए बैटर मेरा बन के हो गया है तैयार, अब मैं इसको प्याज के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, अब इसको हिलाते रहेंगे जब तक के इसमें उबाला ना आ जाए। इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मैं हिलाती रहूँगी बीच बीच में, क्योंकि बीच बीच में थोड़े बहुत मुझे काम भी पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी चलो जल्दी जल्दी मैं बना रही थी। मसाले सारे मैंने, जो बैटर मैंने बनाया ना दही वाला, उसके अंदर ही डाल लिए थे। नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सब इसको अच्छे से हिलाती रहूँगी। उबाल देखो लगभग इसमें आ गया है। मैंने 4 ना हरी मिर्च भी ले ली है, एक मेरे पास लाल रखी हुई थी, तो उनकी वो जो डंडी तोड़ के, और वो मैंने इसके अंदर डाल दी। मैं तड़के के टाइम पे नहीं डालती, क्योंकि ना फिर वो जो मिर्ची होती है ना, वो वैसे ही गली गली से हो जाती है। अब इसमें क्या है, मिर्ची जो है वो अच्छे से रहेगी और फ्लेवर भी आएगा। हल्का सा मैंने चीरा मार के और 4 मिर्चियाँ इसके अंदर डाल दी, जिससे क्या है फ्लेवर भी बना रहेगा और मिर्ची गलेगी भी नहीं, और टेस्टी भी बहुत लगता है। ऐसे कभी ट्राई करना। अब मैं इसमें डालूंगी कस्तूरी मेथी भी डालूंगी, साथ में राइस भी बनाऊंगी। राइस मैंने मतलब जो अपने घर के हिसाब से जितने बनाने हैं कुकर में बनाने वाली हूँ। उबाल के भी बना लेती हूँ मैं कई बार, कई बार मैं कुकर में भी बनाती हूँ, बट कुकर वाले राइस सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें नमक भी डाल लेती हूँ। जो बॉयल्ड होते हैं उसमें नमक नहीं डाल पाता, उसमें अगर हम डालेंगे भी नमक तो भी वो फ्लेवर तो आएगा नहीं, तो मैं जीरा राइस बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो अब एक तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया है, ठीक है, मेरी कढ़ी में भी बहुत अच्छा उबाल आ रहा है। ठीक है, अब कुकर की फ्लेम मैंने ऑन कर दी, उसमें डाला है मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल। ठीक है, अब मैं उसमें डालूँगी जीरा, फिर जीरे के साथ मैं राइस डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी 1 सीटी आने तक। ठीक है, मैंने उसमें नमक आपने देख लिया मैंने डाल दिया है, चावल भी डाल दिए हैं। पहले नमक या पहले चावल कोई मैटर नहीं करता, और जितने चावल हो ना उससे समझ लो, अगर 3 3 गिलास चावल हैं, या सॉरी 1 गिलास चावल हैं, तो आप 1.5 गिलास पानी इनफ है। अब मैंने इसमें डाली है कस्तूरी मेथी हाथ से क्रश करके। ठीक है, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। थैंक यू। हेलो गाइस, हो चुकी है शाम, ठीक है, और आज का दिन बहुत चिपचिप है और मेरे बाल भी चिपचिप हो रखे हैं। ना मैंने हेड वॉश किया है और तो ना बारिश कुछ आ रही है। हाँ, बारिश आज रुकने का नाम नहीं ले रही। और देखो गाइस मैं क्या लेके आया हूँ। हाँ, आशी भी गोल लेके आया। क्या लगा कि मम्मी हमारा फोटो शूट कर रही है, ओ इसलिए मैं ऐसे पकड़ के। सो अब बन रही है हमारी चाय। चाय अभी मैंने चढ़ाई है जस्ट। एक्चुअल में क्या है पता नहीं, आज अजीब सा ही दिन हो रहा है। कैसा हो रहा है, आलस भरा दिन है बहुत ज्यादा। एक तो बारिश में गीली होगी ना, उससे ना सारे बाल ना चिपचिप हो गए। आज वॉश भी नहीं होना, वॉश भी कल होगा। सो अब हमारी चाय भी बनने वाली है, चाय ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। शिवी के पापा जा चुके हैं ऑफिस, बड़ी मुश्किल से गए हैं आज बारिश में भीगते हुए, लोवर टी शर्ट पहन के गए हैं घर के कपड़ों में। एक्चुअली अगर शॉप पे जाना है तो जा सकते हैं खुद, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, और एक खास बात बतानी थी। हाँ बेटा, सुनाई नहीं देता। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब। हाँ चलो ठीक है, आप सब्सक्राइब करना, ठीक है, उनको भी ऑन कर दो। हाँ और लाइक भी। चलिए, एक तरफ बन रहा है हमारा घी, एक तरफ बन रहा है, एक तरफ बन रही है हमारी स्वीट सी चाय, जो बनने वाली है उबल के बाहर आने के लिए। बेताब है चाय हमारी, ठीक है। सो अब देखते हैं थोड़ी सी देर के बाद। दिन में हमने आज बनाए थे कढ़ी चावल,
वो भी मैं आपको वीडियो में आपने देख ही लिए होंगे। अब शाम को कुछ बनाने का मूड नहीं है, क्योंकि मतलब देखेंगे अगर कुछ हल्का फुल्का खाने का मूड हुआ तो। ऐसे तो कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है। फिर भी देखते हैं शाम को अगर कुछ मूड होता है तो। वैसे मुझे मंदिर जाना है, साईं बाबा मंदिर जाना है, आज थर्सडे है इसके लिए, ठीक है। सो मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर के बाद, बाय। सो गाइज, मंदिर तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि बारिश हो रही थी लगातार, और दिन में सुबह मैं भीग गई थी, ठीक है। अब ये ऑफिस से आते टाइम ये भीग गए, ठीक है, पापा भीग गए शिवी के, क्योंकि एक्चुअली क्या ना सुबह बड़े हंस रहे थे जब मैं भीग के आई ना, ओ बारिश में भीग गई, बारिश में भीग गई, और अब खुद भीग गए तो मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। अब नहा के निकले हैं, ठीक है। सो आज जाना हुआ मंदिर कैंसिल, ठीक है, आज इसीलिए हम घर पे बैठे हैं। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, आप ऐसे ही प्यार करते रहिए मुझे, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके। हाँ, और ये देखो नहा के आए हैं अभी। ओए ओए, बारिश में आगे मजा ही आ गया है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ठीक है। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।